नमस्कार दोस्तों, मैं पीजे पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी फिलहाल मैं उठी हूँ, ब्रश हुआ है तो अभी नहाते हैं और रेडी होकर जो है हम हॉस्पिटल जाते हैं। तो हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं मैं आपको बाद में बता दूंगी। चलिए पहले रेडी होते हुए हॉस्पिटल जाकर आते हैं। जैसे ही मैं घर से निकली तो ये ऊपर देखी रास्ते के ऊपर गई गौ मैया का रास्ता रखो आंदोलन शुरू। यहाँ पर देखिए तीनों की तीनों गौ मैया उनके मतलब दो गौ मैया अपने बछड़े के साथ, और ये देखिए एक यहाँ पर है एक यहाँ पर खड़ा हुआ है और रास्ते पर ऊपर बैठे हुए थे, ये अभी खड़ा हो गया यहाँ पर। मतलब ऐसे चारों के चारों रास्ते के ऊपर बैठे हुए थे, पूरा रास्ता ब्लॉक कर रहे थे। तो हॉस्पिटल पहुंच चुके क्योंकि अभी हमें हॉस्पिटल में हमें आए तो अभी हमें चुप रहना चाहिए ना। तो इस वजह से मैं कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि लाइन में खड़े थे तो हमें जो सामने जो गार्ड देती थी वो सबको चुप कराने के लिए बोल रही थी, इसलिए हम चुपचाप जो वहाँ पर खड़े हुए थे। तो यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी लाइन मेरे आगे दो बहुत लोग थे, अभी फिलहाल तीन ही लोग हैं मेरे आगे। मतलब ये तीनों आंटी मेरे सामने है तो अभी मैं उनके बाद मेरा चौथा नंबर है, चौथे नंबर के बाद अभी हम अंदर जाएंगे। तो ये जो गार्ड थी ये हमें चुप कर रही थी और उसी तरफ से जिस तरफ गार्ड थी जा रही है वहाँ पर एंट्रेंस है हॉस्पिटल के अंदर आने का। तो अभी यहाँ पर हम इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का। तो अभी मेरी बारी आने वाली है, वो दीदी अंदर गई, वहाँ पर डॉक्टर है तो अभी डॉक्टर को बताते हैं। तो मैं इसलिए दवा खाना है क्योंकि मुझे कल रात को जो है जो हमारा रैब उंदिर होता है ना तो उसने मुझे बाइट कर लिया था, तो उस वजह से मैं जो हॉस्पिटल आई वैसे दो बार हो गया चुके हमारे घर में इतनी ज़्यादा माउस हो गए तो कॉपी ज़्यादा हो गए। तो अभी हॉस्पिटल में आए तो अभी यहाँ पर हम दवाई ले लेते और घर चलते हैं फिर। सो अभी ये यहाँ पर नया नया मॉल ओपन हो रहा है शायद शॉपिंग के लिए, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़ा मॉल है ये। तो काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं बस में बैठी हुई तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और काफ़ी मतलब काफ़ी दिनों के बाद ही ऐसे ट्रैवल कर रही हूँ बस से, बहुत ज़्यादा ऐसे अलग ही फीलिंग आ रही है, काफ़ी मतलब बता नहीं सकते बयान नहीं कर सकते। ऐसे काफ़ी दिनों के बाद मैं बस में बैठ कर ऐसे ट्रैवल कर रही हूँ। वैसे तो मैं पहले बहुत आती थी, मतलब आपको पता है मैं स्कूल के लिए रोज़ सुबह आती थी और बस से वो सुबह घर पर जाती थी, तो अभी फ़िलहाल बंद हो चुका है तो इस वजह से। तो चलिए घर चलते। तो शाम का समय हो चुका है तो आप देख सकते हैं ये प्यारे प्यारे ब्रह्म कमल जो आप दर्शन कर लीजिए आप सभी, मतलब काफ़ी इसमें ये खुलते हैं, इतने प्यारा फूल है ये और इतना स्मेल अच्छा स्मेल आता है इसका, काफ़ी ज़्यादा स्मेल आता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे स्क्रीन के ऊपर पूरा ब्रह्म कमल कितना प्यारा दिख रहा है ना, कितना अच्छा है ना ये पूरे ब्रह्म कमल, मुझे तो काफ़ी पसंद आ रही है। मतलब इतने अच्छे दिख रहे हैं कि क्या ही बता सकते, मतलब एक ज़ाहिर नहीं कर सकते इतने प्यारे और इतनी ब्यूटीफुल से ये दिख रहे हैं ब्रह्म कमल। और शाम के समय में ये ओपन हुए और ब्रह्म कमल कभी कभी ओपन होते हैं ना तो आपको स्टोरी वगैरह पता होगी, आप गूगल पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही क्योंकि मैं तो थक चुकी हूँ अभी हॉस्पिटल वगैरह से आके, तो अभी पूरा व्लॉग भी कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि अभी जो रैट है जो कि उंदीर होता है ना उससे तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल। चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।